तो जैसा कि आप सबको पता है कि Xiaomi का जो Mi 11 है वो स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ आएगा जो कि 5G पे है। लेकिन अभी अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ सुनी है कि Xiaomi का जो ये Mi 11 है इसका जो बॉक्स होने वाला है वो उतना ही होगा जितना आईफोन होगा। अब इसका क्या मतलब, मतलब सिंपल है कि इसके अंदर हो सकता है आपको चार्जर देखने को नहीं मिले, ऐसे हमने कुछ रूमर्स अभी सुने हैं। बेसिकली कल मैंने वीडियो बनाई थी रियलमी कोई स्मार्टफोन पे जो कि मतलब स्नैपड्रैगन 888 के साथ आएगा, अगर उसके अंदर फास्ट चार्जिंग आती है और जो है ना चार्जर बॉक्स में आता है तो वो Xiaomi के Mi 11 को बीट कर देगा सेलिंग में, जैसा मुझे लगता है। क्या आप लेना पसंद करोगे Xiaomi जैसी कंपनी का चार्जर ना आने पर? अब ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, फ़ोन जो है ना 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है और 120 वॉट जो है ना वायर के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ मुझे लगी कि सारे जो है ना एप्पल की तरह कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, उसके बाद सैमसंग S21 सीरीज़ में जो है ना ये सीन हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता अगर ये ऐसा करेंगे तो इसका जो है ना जस्टिफाइबल है, क्योंकि चार्जर लग से लेना इज़ अ प्रॉब्लम एंड बेसिकली इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। सो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि यार ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। हमने सोचा था कि एप्पल ने जो मश्करी की है या मजाक की है या कुछ भी किया है या हमें पागल बनाया है तो बाकी कंपनीज ना बनाती। सो बेसिकली Xiaomi ने तो ये स्टेप ले लिया है और सैमसंग ने भी ले लिया है। देखते हैं रियलमी क्या करता है अपने इस रियलमी कोई या रियलमी रे स्मार्टफोन के साथ, एंड वन प्लस भी अपने वन प्लस 9 एंड 9 प्रो के बारे में लीक्स दे रहा है। अब मुझे लगता है जो भी फ्लैगशिप फ़ोन आएंगे सबके अंदर यही ट्रेंड चलेगा, क्योंकि सब अपने आप को एप्पल समझते हैं और एप्पल ने जब हेडफोन जैक रिमूव किया था तो सारे फ़ोन्स में ही हट चुका था। अब इन्होंने जो है ना चार्जर रिमूव किया है तो चार्जर भी सारे फ़ोन्स में मुझे लगता है हट जाएगा। मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो यार मुझे यार बहुत ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगती है कि यार एक चीज़ पे आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स वेस्ट कर रहे हो, मतलब कि इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें आपको चार्जर ही नहीं मिल रहा, तो इसका क्या मतलब? अपन इससे चाहे बजट का स्मार्टफोन कोई 8-9 हज़ार का ख़रीद लें जिसके साथ एलईडी समेत चार्जर तो मिल रहा है और वो भी बॉक्स पैक। अगर यूज्ड फ़ोन लेते हैं तो उसका समझ आता है यार न्यू फ़ोन में चार्जर शिप ना करने का क्या सीन है। ये तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ लगी Xiaomi की और सैमसंग की भी S21 सीरीज़ में, ये बहुत चीज़ गलत कर रहे हैं सारे के सारे। अब पता नहीं क्या होगा, हो सकता है 2022 या 2023 में जो है ना आपको फ़ोन ही अंदर से नाम ले, बोलेंगे कि फ़ोन जो है ना $1000 लो और एक साल के लिए यूज़ करो, उसके बाद जो है ना वापस दे दो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि क्या आप इस चीज़ से सेटिस्फाई करते हो या नहीं, एंड यस सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।